प्रवीण गुड़गांव से। मेरे बस सुनने और समझने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, समझ में नहीं आती थी। वर्डिंग तो आ जाते थे, मतलब कि कुछ बोल रहा है कोई, पर क्लियर नहीं होते थे। मेरी शुरू से ही यही प्रॉब्लम रही है। वैसे ये तो हो गए 10 साल हो गए मुझे, थोड़ी बात शुरुआत हो चुकी थी 10 साल पहले। हाँ, वो मैंने मोबाइल पे मैं ना देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ स्टडी करती रहती हूँ चीज़ों के बारे में। यूट्यूब पे मैंने देखा तो मैंने फटाफट कनाडा भेजा आपकी वो वीडियो। मैंने उन डॉक्टर से बात करी, मैंने कहते हैं आप मेरी दवाई खा लो। वैसे वो कैल्शियम वगैरह दे रहे थे, फिर नर्वस सिस्टम वीक है ये, तो कहते आप जाना चाहो तो बेशक चले जाना आप उनके पास। तो वो मैं यहाँ पे फ़ोन कर रही थी ना, तो इतने फ़ोन में ही टाइम, बच्चों की जॉब ऐसे ही, आपको पता है कि ये अभी नाइट शिफ्ट करके आए हैं दोनों, रात को सुबह मेरी फ्लाइट पे आ गए हैं, मतलब तो अब ये जाके सोएंगे कल संडे। तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रही, मैंने कुछ भी करो मेरा ये काम करो बस। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच के। मैं पहले सबसे पहले अपने भगवान का, साईं बाबा का शुक्रिया करूंगी। और भी कई बातें हैं मेरे साथ जिंदगी के साथ, वो जाके अब शुक्रिया करना है उनका। नहीं, मैं तो सबको बोलूंगी कि आए सब यहाँ पर और अपना ये फायदा उठाएं। और पहले तो सबने हमें जवाब ही दे दिया था एलोपैथी कि इसका कोई है ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं है आंखों का। और आप सच मानो कि मेरी माँ इस चीज से बहुत दुखी होकर मर गई थी, तो मेरे को वो बहुत फील नहीं था कि मेरी माँ ने जीवन बड़ा मुश्किल से निकाला है। अच्छा लगा मुझे। तो टेंशन थी, अभी ठीक है।